शिव के बिना शक्ति नहीं होती, शक्ति के बिना शिव नहीं होते, यू नो। और आज का डे की देखिए कितना अच्छा है, शिवरात्रि प्लस वुमेन्स डे, यू नो यू आर सेलिब्रेटिंग बोथ टुगेदर, यू नो। शिवरात्रि हम शक्ति और शिव को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। मेरा आया है गिफ्ट, पार्टनर दिया है मेरे को वुमेन्स डे गिफ्ट। जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा पार्टनर को किचन अप्लायंसेस गिफ्ट करते हैं, और ये वाला गिफ्ट आया मेरा क्या, एक एयर फ्रायर। अभी हम जा रहे हैं वुमेन्स डे का गिफ्ट खरीदने परी के लिए, तो चलो चलते हैं। हेलो गाइस, सब कैसे आज एपिसोड लोग में आ चुकी हूँ, चलो चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, आज महाशिवरात्रि है, तो अभी हम जा रहे हैं शिवरात्रि का सामान लेने। परी और मैं जा रहे हैं फूल पत्ती, हाँ फूल बेलपत्ता, वो जो चाहिए होगा पूजा के लिए वो लोग हम लेने जा रहे हैं। अभी चलो चलते हैं, चाबी ले लेते हैं। हाँ मैंने सुबह खोला था इसको, হাফ প্যান্ট পরেছো তো, ঠান্ডা লাগছে তোমার, কি বলো কেন, কি করবি তুই এটা দিয়ে, কি করবি মাটি কলস, ভাল লাগে, চল কলাটা নিয়ে নি। আমার ভালো দিকে একটা কলা দো, হ্যাঁ কিটা সেটা। তো আবি হাম বাজার লেকে ঘর আ চুকে হ্যায় অর ক্যা ক্যা লায়ে হ্যায় এই হাম দিখায়েঙ্গে। পরি টায়ার্ড হো গই তুম, परी फिर से नींद आ रही है। तो हमने क्या क्या लाया अभी, ये बेलपत्ते, बेलपत्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं मिले आज, कहीं भी नहीं है, पूरा बाजार देख लिया, पूरा बाजार ढूंढ ढूंढ के ये मेरे को अच्छा वाला मिला थोड़ा बहुत। ये फ्लावर्स, बाबा वो तीन फ्लावर निकाल लो यहाँ से, हाँ इसको पानी में रखना होगा, हाँ इसको इधर रख, हाँ इसको पानी में रखना होगा, नहीं तो रात तक ये खराब हो जाएगी। ये देखो फ्लावर साज कितना कॉस्टली है, यहाँ पे 200 रुपीस का फ्लावर लाया मैंने, 200 रुपीस का फ्लावर इतना नहीं, वो माला दिखाओ मम्मी को, वो बड़ा माला, यही तो 90 रुपीस लिया, क्योंकि वो छोटे छोटे वाले थे ना, वो छोटे छोटे वाले रात तक होते होते खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं ये फ्रेश वाला, इसको कटिंग करके, हाँ इसको कटिंग करके बनाया उसे, हाँ वैसे भी छोटे वाले 30 करके, ये वो अच्छा है, यहाँ पे धूपकटी है, और कर्पूर, डस्ट कर्पूर, बाबा देखीस भाई लग गए, रखे दो, ये बेल बेल बैग में रहने दे, बेल बैग ही था, ये तीन बेल, तीनटा तीनटे, और खीरा, और कुछ नहीं है इसमें, रख दो इसमें, रख दो बैग में, रख दो बैग में, रख दो মোবাইল ডেলিভারি দিলে আলু বলে পায়, কিতা পায়, বেগুন পায়, এটা একবার আর এডি হুদ দাদা, এটা কি আলু ভারী হয় কেন,
मम्मी अभी एक हफ्ते क्या जाने एयरफोनों का भी दिखा दो। तो मैं अभी आ चुकी हूँ ब्लॉग पे और अभी बज रहे 4:30। तो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। सुबह का ब्लॉग ऑलरेडी पार्ट शूट कर चुके हैं, तो वो सुबह को क्या क्या पार्ट ने वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सो अभी मेरा एक आया है गिफ्ट पार्ट की तरफ से। तो मैं जो उस दिन बता रही थी पिछले ब्लॉग में आप लोग को बता रही थी ना, कि पार्क मेरे को गिफ्ट करता है, बहुत ज्यादा गिफ्ट करता है। क्या करता है? खाने पीने की चीज, फिर किचन अप्लायंसेस, फिर मोबाइल। हाँ, मोबाइल मेरे को करता है। गैजेट्स जो है मेरे पास सारे पार्थ ने किए, क्योंकि उसमें भी एक ट्विस्ट है। पार्थ को गैजेट का बहुत ज्यादा शौक है। ओके, मेरा गैजेट जो तेरा है वो मेरा है, तो मैं हाफ ऑफ द टाइम यूज नहीं करती हूँ, वो करता यूज। सो दैट्स व्हाई ही गिव्स मी यू नो गैजेट, फिर ये अप्लायंसेस, की खाने पीने की चीजें, वो सारे उसके प्रॉफिटेबल चीज मेरे को वो गिफ्ट करता है। सो हाँ, कभी कभी थोड़े बहुत और भी चीजें कर देता है, जैसे वॉचेस, ये वो कभी कभी कर देता है। तो ये वाला है मेरा एयर फ्रायर। ये मास्टर शेफ की तरफ से है। मास्टर शेफ का ब्रांड है, ये मास्टर शेफ ब्रांड है। ओके, तो मैं दिखा देती हूँ क्या है इसका ब्रांड नेम। मास्टर शेफ है इसका ब्रांड नेम है। ये मास्टर शेफ से है ये। ओके, मास्टर शेफ इसका ब्रांड नेम है और ये हमने ऑनलाइन से मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। तो इसका जो है ओपनिंग तो आज नहीं होगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, हमारा उपवास है, हमने फास्टिंग की है। मैंने पार्थ परी ने नहीं किया, तो हम तो वो बोलते हैं चार प्रहरेर पूजो जो होता है, जैसे बंगाली में बोलते हैं चार प्रहरेर पूजो, ओटा आमरा करछि। हाँ, सारा रात्रि जेगे आमरा चार प्रहरेर पूजोटाई करी, सेटाई करछि। सो आमार तो सारा दिन फास्ट, आमि किच्छु खाच्छि ना। सो दैट्स व्हाई आजके एटार ओपनिंग हबे ना, आज इसका ओपनिंग नहीं होगा। तो चलो कल इसका ओपनिंग करते हैं और कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे हम कैसे इसका यूज करते हैं। सो मैं शिवरात्रि के बारे में कुछ बताती हूँ। ओके, तो मैं जो शिवरात्रि है वो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं परफॉर्म कर रही हूँ उसका पूजा। इट हैज बीन लॉन्ग 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 ईयर्स, मीन्स बहुत सालों पहले से मैं करती थी। मैं शायद पढ़ी से थोड़ा बड़ी थी तब से करती थी, लाइक 2 या 3 में पढ़ती थी तब से मैं करती थी। क्योंकि मेरे जो मायका है वहाँ पे शिवरात्रि इज लाइक एन फेस्टिवल, मीन्स हर एक कोई करता है शिवरात्रि का पूजा। वहाँ पे मेला लगता है बहुत ही बड़ा, हमारा जो भवतारिणी मंदिर है वहाँ पे होता था। तो इट्स लाइक एन फेस्टिवल फॉर अस, मीन्स इट्स नथिंग लेस देन दुर्गा पूजा। वाइफ पूरा आता था मेरे पूरे, मीन्स पाड़ा जो है मेरे, मीन्स लोकेलिटी है वहाँ पे। सो दैट्स वाई मैं बहुत सालों से करती हुई वाला पूजा, मैं अपने दीदी के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं ये पूजा करती थी। और जो मंडे वाला शिवरात्रि का व्रत जो है वो भी मैं बहुत सालों से करती हूँ, आज तक मैं वो करती हूँ। हर मंडे मैं उपवास रखती हूँ, मैं फास्ट रखती हूँ, पर वो ऐसा नहीं कि अच्छी पत्ती ये वो, ऐसा सोच के मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया था। बोलते कि अच्छा पत्ती मिलता है ये वो, ऐसा सोच के मैंने कुछ भी नहीं किया था। ऐसे मैं समझती भी नहीं थी जब से मैंने ये स्टार्ट किया था पूजा, कि क्यों मैं भगवान का पूजा करना सब कर रहे हैं मैं भी कर रही हूँ, यही था मेरा, जस्ट गो विद द फ्लो। और जो मंडे वाला भी ऐसा ही था। एक दीदी थी मेरे पड़ोस में रहती थी, वो कर रही थी, तो मैंने भी बोला चलो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पूजा पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, चलो मैं भी करती हूँ स्टार्ट मंडे वाला, वो फास्टिंग ये सब। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, पर उसका कुछ फल, अच्छा पति वति बोलते हैं ना, अच्छा पति मिलता है ये वो, ये सब फल के यू नो एक्सपेक्टेशन से मैंने कुछ भी कभी नहीं किया था। मैं सिर्फ लक बाय चांस पति मिल गया। अच्छे मीन्स जस्ट मुझे पूजा करना था, उसी मन से मैंने किया था। आज भी मैं करती हूँ, बस अपने जस्ट प्योरली अपने हाथ से। मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ शिव जी के साथ, बहुत मीन्स क्या बोलती हूँ, मुझे कुछ और ही मीन्स कनेक्शन मेरा फील होता है, उसीलिए मैं इसी वजह से मैं करती हूँ मंडे। आज तक मैं मीन्स निर्जला रख के मैं फास्ट करती हूँ, हार्डली मेरा मंडे भी मिस होता है। मीन्स मंडे का जो फास्ट है, व्रत है, हर मंडे को मैं करती हूँ, वो भी हो गया शायद मोर देन 25 ईयर्स हो गए मेरे को।
मैं अभी भी कर रही हूँ फास्टिंग। मेरे मम्मी कभी कभी बोलती थी जब मैं पढ़ाई करती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, फिर मैं जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, मैंने कोर्ट ज्वाइन किया, तभी मेरी मम्मी कभी बोलती थी फास्टिंग छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कोर्ट करती हूँ सारा दिन भूखा रह के, फिर आके शाम को पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह को मैं नहीं करती क्योंकि मेरे को लगता है कि पूरा दिन कहाँ मैं फास्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन फास्टिंग करके शाम को पूजा देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो मेरी मम्मी बोलती सुबह को देखे कुछ खा लो, ऐसा उनको होता है कभी कभी, मेरे लिए फिक्र करती थी मम्मी, तो बोलती थी कि उसका जो है एक कुछ एक यज्ञ टाइप कुछ एक पूजा होता है वो कर लो, तो वो पूजा मीन्स मंडे को फास्टिंग नहीं रखना पड़ेगा, यज्ञ टाइप होता है अगर फास्टिंग को ब्रेक करना है तो, उसका रूल होता है कि एक बार आप फास्टिंग शुरू करो तो एक यज्ञ टाइप पूजा होता है वो करके ही फिर आप पूजा को मीन्स फास्टिंग बंद कर सकते हो। मीन्स मम्मी चाहती थी कि मैं फास्टिंग बंद करूं क्योंकि मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, बहुत फिक्र करती थी। तो एनीवेज मैंने बोला कुछ भी हो जाए मैं फास्टिंग तो बंद नहीं करूंगी, आज भी मैं वो फास्टिंग करती हूँ। इवन मैं ट्रैवल करती हूँ तब भी क्या करती हूँ, मैं ढूंढती हूँ कहीं पे शिव मीन्स मंदिर मिलता है कि नहीं, वो ढूंढती हूँ मैं, लाइक कहीं पे ट्रैवल करती हूँ मैं, घूमने जाती हूँ तब भी, पर लकीली ऐसा ही होता है कि उस मंडे को मीन्स ढूंढती हूँ मैं बाहर जब मीन्स रहती हूँ, मेरे को मिल जाता है शिव मंदिर। ऐसा इस बार भी हुआ कि मंडे को था न्यू ईयर और मैं सोच रही थी यार शिव मंदिर मिल जाता, और मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि चंद्रागिरी हिल्स में एक शिव मंदिर भी है, क्योंकि मैंने सर्च नहीं किया था गूगल में, क्योंकि मैं हिल में समझी थी कुछ ओखो का टेम्पल, पर शिव मंदिर स्पेसिफिकली है वो मुझे पता नहीं था। जाके देख तो भाई साहब वो शिव मंदिर है, और मैंने फास्टिंग भी किया था, मीन्स लाइक इतना मेरे को खुशी मिल गई थी ना, क्योंकि वो लग रहा था यार फास्टिंग मेरा ब्रेक हो जाएगा, शिव मंदिर नहीं मिलेगा। तो पार्क बोलते कभी कभी ऐसे ही तुम किसी पेड़ पे या कहीं पे जल चढ़ा दो, समझ लो कि भगवान को चढ़ा रहे हो, बोल के खा लो, ऐसा करते थे पार्क। तो लकीली ऐसा मीन्स नौबत नहीं आया, हर टाइम मुझे कहीं पे शिवलिंग शिव मंदिर मिल जाता था। तो चलो आशिव जो व्रत है मैं कर रही हूँ, शिवरात्रि का व्रत है, तो उसके लिए मैं अभी शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो और एक छोटी सी बात मैं बता देती हूँ, तो आज शिवरात्रि है और आज वुमेन्स डे भी है, तो मैंने आप लोगों को विश नहीं किया है, विश यू ऑल ए वेरी वुमेन हैप्पी। ओ माय गॉड, मैं इतना शॉपिंग कर रही हूँ, वुमेन्स डे, अरे अच्छा हो गया वुमेन्स डे, आज ही ये आ गया। तो आप सबको मैं विश करना चाहती हूँ, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। और वुमेन्स डे मेरे लिए क्या उसका मीनिंग है, क्या महत्व रखता है, मेरे लिए उसका मीनिंग है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स हम मर्द से कम नहीं है, मर्द हमसे कम नहीं है, हम दोनों से पूरा, इट्स एन कंप्लीट यूनियन, यू नो इट्स एन यूनाइटेड थिंग। तो हमेशा मैं और पार्थ भी वही फील करते हैं कि हम दोनों इक्वल हैं। जो पार्थ की कमियां हैं वो मैं पूरी करती हूँ, जो मेरी कमियां हैं वो पार्थ पूरी करती है। जैसे कि समझ लो फॉर एग्जांपल घर का काम जो होता है, पार्थ अभी हमारी मासी नहीं है, फॉर्चुनेटली हमारे पास मासी है तो उतना हमें करना नहीं पड़ता काम, पर अभी जैसे कि मासी नहीं है, ऐसा होगा कि आपके पास हेल्पिंग हैंड नहीं है तो क्या होगा, तब पार्थ और हम डिवाइड कर लेते हैं, वो जिस जिस चीज में अच्छे है वो काम कर लेते हैं, मैं जिस चीज में अच्छी हूँ वो काम कर लेते हैं, इस बैलेंसिंग यू नो। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि इक्वालिटी यू नो नारेबाजी करके या ये बोल के एक दिन सेलिब्रेट करके ये इक्वालिटी नहीं आ सकता, इक्वालिटी आपको खुद को लाना पड़ेगा और वो शुरुआत आपको खुद के घर से करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी बेटी देखती है इक्वालिटी को सीख रही है, यू नो जैसे कि पापा भी करते हैं ये काम, मम्मी भी ये काम, इट्स नॉट वुमन जॉब, इट्स नॉट मैन जॉब, ऐसा कुछ नहीं है। वो बर्तन करते हैं बात, वो घर पोछा ये सब करते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं ये सब करता है बात। मैं जैसे कि कुकिंग करती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, मैं बाहर का काम भी संभालती हूँ, घर का भी संभालती हूँ, हमारा जो कोचिंग है वो भी हम दोनों मिलकर संभालते हैं। तो हर एक चीज में हम लोग बैलेंस आउट करते हैं, इक्वालिटी लाते हैं। जैसे कि मैं कोचिंग में भी जो सब्जेक्ट्स जैसे मेरे कोचिंग में है, जो सब्जेक्ट्स मेरा जो लाइक एक्सपर्टाइज मेरा है, जिसमें मैं अच्छी हूँ, जिसमें वो मैं पढ़ाती हूँ, जिसमें पार्ट का एक्सपर्टाइज है उसमें पार्ट कराते हैं। जैसे कि पार्ट का एक्सपर्टाइज है यू नो कॉर्पोरेट लॉज, कंपनी लॉज, फिर जो सिविल साइट्स के होते हैं उसमें उसका एक्सपर्टाइज ज्यादा है, वो ये सब्जेक्ट्स में डील करता है।
और जैसे कि मेरे एक्सपर्टाइज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फिर क्रिमिनल पेपर्स जो होते हैं आईपीसी सीआरपीसी ये सब, क्योंकि मैं आईपीसी में टॉपर रह चुकी थी, मेरे बैच में मैंने 81 स्कोर किया था, तो वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। दैट्स व्हाई मैं वो सब्जेक्ट में ज्यादा प्रेफरेंस लेती हूँ, मैं इंटरेस्ट भी लेती हूँ उस सब्जेक्ट्स में और मैं उसको पढ़ाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है लाइक वो सब पढ़ाना। तो ये सब ऐसे हम डिवाइड करके हर एक चीज करते हैं। तो लाइफ में ऐसे ही मर्द और औरत को, मैन एंड वुमेन को, यू नो, यू हैव टू गेट यूनाइटेड टूगेदर एंड यू हैव टू कम्प्लीट ईच अदर लाइक दिस एंड गो फॉरवर्ड इन लाइफ। यू नो, एक दूसरे को यू नो सक्सेस अटेन करने में ऐसे मदद करना चाहिए, यू नो, ना कि किसी को ऐसे किसी भी वजह से पुल डाउन करना चाहिए, डिसरेस्पेक्ट करना चाहिए, यू नो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड दैट इज अ ट्रू सेंस ऑफ सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड एंड एम्पावर्ड वुमेन को जो बोलते हैं ना, एम्पावर्ड वुमेन हो तो ऐसा हो नहीं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं बस नारेबाजी करती हूँ, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मेरे को वो नहीं मिल रहा है। अरे मिलने ही रहा है लाइफ में बहुत कुछ यार, वो नेगेटिव चीजों को छोड़ो और पॉजिटिव में ध्यान दो कि ये मेरे पास है, लेट मी पॉलिश दिस थिंग, जो है उसको हम ग्रूम करें और अच्छे से लाइफ लीड करें, यू नो, तो यू विल मेक अ रियली कंप्लीट एंड सेंसेबल लाइफ। एक दूसरे के साथ यू नो हाथ में हाथ बटा के आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। और जैसे कि देखो मेरे एक दिन मेरे एक स्टूडेंट ने पार्ट को मेरे को पूछ रहे थे कि सर और मैम कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि आपको एक दूसरे के अगेंस्ट कोई केस मिले कि मैं सपोज एक साइड में और पार्ट एक साइड में, ऑपोजिट में है पार्ट, वो आप केस लड़ोगे कि नहीं? तो पार्ट ने बोला नहीं मैं नहीं लड़ूंगी, क्योंकि जनरली मैडम का आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग होता है और फैक्ट्स में बहुत ज्यादा प्रूफ देके बात करती है। जैसे कि देखो मैंने अभी प्रूफ दिया ना कि पार्ट मेरे को गिफ्ट करता है तो सिर्फ ये सब करता है, किचन अप्लायंसेस ये सब करता है ना गिफ्ट, तो मैंने प्रूफ दे दिया समझो। तो मैं हमेशा प्रूफ से ही बात करती हूँ, इलॉजिकल बात नहीं करती हूँ। और सेकेंडली जो है मेरे को जब पूछा, मैंने बोला नहीं मैं कभी उसके अगेंस्ट तो केस कभी नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम एक यूनिट मीन्स लाइक वी आर ए टीम, यू नो, हम एक टीम में है, कभी एक दूसरे के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते। जैसे कि मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया था क्रिमिनल लॉ में, बिगिनिंग में प्रैक्टिस करती थी, बहुत साल मैंने क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस किया, तो तब जब मैं चैम्बर मैंने ज्वाइन किया क्रिमिनल लॉ का, तब पार्ट ने भी मेरा चैम्बर ज्वाइन किया था कुछ दिनों बाद, पहले मैंने ज्वाइन किया क्रिमिनल लॉ चैम्बर, फिर मेरा चैम्बर पार्ट ने भी ज्वाइन किया, तो हमारा एक ही चैम्बर था। फिर जब हमने शिफ्ट किया सिविल लॉ में, तो पार्ट पहले ज्वाइन किया एक सिविल चैम्बर, फिर मैंने उसका चैम्बर ज्वाइन किया था सिविल लॉ में। तो देखो हम हमेशा से यू नो प्रोफेशनली भी मीन्स एक ही टीम में काम करते, नॉट कि यू नो ऑपोजिट में कहीं और चैम्बर हो जाए तो एक दूसरे के अगेंस्ट केस हो सकता है, ऐसे नौबत आ सकती है। तो दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज अ टीम, वी कांट गो अगेंस्ट ईच अदर। एंड और एक चीज जो है, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कभी मिक्सअप नहीं करती, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को मीन्स इतना लाइक प्रायोरिटाइज करके मैं अपने पर्सनल लाइफ में कुछ यू नो अनबन नहीं ला सकती, कुछ हैम्पर नहीं कर सकती, यू नो, मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों को बैलेंस आउट करना, मेरा पर्सनल लाइफ भी मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी। ऐसा नहीं है कि यू नो प्रोफेशनल लाइफ को सक्सेस पाने के लिए यू नो रिलेशनशिप मैटर नहीं करता, ये सब मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है, दोनों ही लाइफ में बहुत ही जरूरी है, प्रोफेशनल लाइफ भी पर्सनल लाइफ। तो मैं हमेशा वो दोनों को बैलेंस आउट करती हूँ, और पार्टी भी वैसे ही बहुत ही ज्यादा वो दोनों बैलेंस आउट करते हैं। सो दैट्स व्हाई हम कभी एक दूसरे के अगेंस्ट कभी खड़े नहीं हो सकते, दैट्स अ थिंग। तो चलो ऐसे ही आप लोग भी अपने स्पाउस के साथ हंसी खुशी से रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, और मैन कैन नॉट डू विदाउट वुमेन ये वाला ही सोचिए, एंड वुमेन कैन नॉट डू विदाउट मैन। What a beautiful message given by God itself, you know, कि दोनों को एक साथ हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए और एक टीम बन के रह के यू नो हर एक लाइफ के फेजेस में यू नो सक्सेस अटेंड करना चाहिए। तो एम्पावरमेंट की शुरुआत है, वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत है, हमको अपने घर से करना है, हमको खुद को एम्पावर करना है, स्ट्रांग बनाना है, यू नो मेंटली स्ट्रांग बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं सोचती हूँ कि आप अगर आप खुद को चेंज करोगे तो धीरे धीरे जो है हर एक चीज चेंज हो जाएगी, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस।
एंड जैसे कि आप खुद को चेंज करोगे तो आपकी शायद आपकी बेटी होगी वो देखेगी तो वो आपसे कुछ सीखी अच्छी चीज, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके प्लस पॉइंट्स क्या है वो सीखेगी, आप कितने स्ट्रांग हो तो वो भी ऐसे स्ट्रांग बनेगी। जैसे कि मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ इक्वलिटी, सिखाती हूँ जेंडर इक्वलिटी जो होती है कि ये गर्ल का काम है ये बॉय का काम है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर एक काम हर एक को करना चाहिए, यू नो कोई काम छोटा बड़ा या ऐसा कुछ नहीं होता, एवरीथिंग यू कैन डू। सो ये सब सीखती है और हमेशा फियर्स रहना चाहिए और बहुत ही स्ट्रांग रहना चाहिए अपने बेटा। जैसे कि ये बहुत अभी से टच वुड यू नो आई एम ब्लेस्ड कि बहुत ही फियर्स एंड बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। आई थिंक समवेयर माई पेरेंटिंग इज गोइंग राइट, दैट्स वाई वो एकदम डरती नहीं। जैसे कि कोई एडवेंचर स्पोर्ट हो जाता है वो बिल्कुल नहीं डरती है, रादर मेरे को लगता है यार यू नो माँ का एक फीलिंग होता है यू नो क्या यार कर रही है, क्यों जा रही है, क्यों भेज रही हूँ। मैं भेजती हूँ जनरली, मैं उसके इनकरेज करती हूँ, उसके पापा भी इनकरेज करते जाओ करो, फिर भी होता है ना माँ का एक जैसे यार क्यों जा रही है क्यों कर रही है ऐसा, पर ये बहुत अच्छे से करती है और डरती तो बिल्कुल नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं डरती वो। और मीन्स इसकी जो मैच्योरिटी है टच यू आई एम सो ब्लेस्ड, मीन्स समझदार होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, यू नो इंटेलिजेंट और समझदार। कभी कभी इतनी समझदारी के बाद वो कर जाती है, इतनी समझदारी के वो हरकतें कर जाती है, यू नो मैं और उसके पापा सरप्राइज हो जाते हैं यार इतनी छोटी उम्र में वो कैसे कर रही है। तो उसके पापा कभी कभी बोलती है तुम पे ही गई है। जनरली मेरी बेटी जो है वो इतनी दिखती नहीं है कि वो लाइक बहुत इंटेलिजेंट है बहुत स्मार्ट है, या दिखाती भी नहीं है बहुत स्मार्ट है बहुत इंटेलिजेंट है, शो ऑफ नहीं करती है, बहुत ही इनोसेंट सा एक फेस बना के इनोसेंटली चुपचाप से रहती है, पर यू नो शी इज़ वेरी वेरी मैच्योर वेरी स्मार्ट एंड आई एम ब्लेस्ड। तो शायद मेरी परवरिश कहीं पे इट्स गोइंग राइट है ना बड़ी। तो सबको बोल दो लिटिल लिटिल बिग बिग वुमन को हैप्पी वुमन्स टू एवरीवन। मम्मा को पहले बोला, देखो मैंने सिखाया कि हैप्पी वुमन्स टू एवरीवन पर पहले उसने मम्मा को ही बोला, तो वही मैं बोल रही थी कि उसका सीख और उसकी समझदारी मीन्स आई एम जस्ट क्या बोलो आई एम जस्ट ट्रूली आई एम ब्लेस्ड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। मेरे को मीन्स मैं इमोशनल हो जाती हूँ उसकी इतनी समझदारी कभी कभी देखिए। बोल दो सबको बोल दो हैप्पी वुमन्स टू एवरीवन। मम्मा को ही बोलेंगे, इधर कैमरा में सबको बोल दो हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी वुमन्स टू एवरीवन, हैप्पी वुमन्स टू एवरीवन। थोड़ा जोर से बोलो, जोर से, जोर से, हैप्पी वुमन्स टू एवरीवन बोलो बोलो, हैप्पी वुमन्स टू एवरीवन, हैप्पी वुमन्स टू माय लिटिल शेरनी, विश यू अ वेरी हैप्पी वुमन्स डे। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, हम जा रहे हैं परी के लिए वुमन्स डे का गिफ्ट खरीदने, मेरी लिटिल 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 एम्पावर्ड वुमन के लिए एक गिफ्ट खरीदने। सो या जैसे कि शिव के बिना शक्ति नहीं होती, शक्ति के बिना शिव नहीं होते, यू नो। और आज का डे की देखिए कितना अच्छा है, शिवरात्रि प्लस वुमेंस डे, यू नो यू आर सेलिब्रेटिंग बोथ टुगेदर, यू नो शिवरात्रि हम शक्ति और शिव को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। सो हम अभी जा रहे हैं हमारे घर की जो लिल वुमेन है उसके लिए गिफ्ट खरीदने। ऑलरेडी गिफ्ट वो खरीद चुकी है और ये खरीद के उसने बोला है कि उसको और कुछ नहीं खरीदना है, पर मैंने बोला है नहीं तुम्हारे लिए और एक स्पेशल गिफ्ट है तो मैं वो खरीदने जा रही हूँ। बार्बी, ओके। এখানে না এখানে সামনে চলে আসো, আচ্ছা সামনে দেখে আসি, এখানে বার্বি দেখবে। তোমার যা ইচ্ছা তাই নিতে পারবে, ঠিক আছে। কোনটা এটা? আয় আচ্ছা ভিতরে দেখছি, ঠিক আছে। আর সফটওয়্যার কি কি আছে দেখছি, দাঁড়া সফটওয়্যার গুলো দেখে নি। এই ডিয়ারটা কত সুন্দর, দেখ ডিয়ারটা কত সুন্দর। আচ্ছা এটা নিচ্ছি, ওর যেটা আছে ওটাকে অপশনে ঢুকিয়ে নে, ঠিক আছে। ও যেটা চাই ওটার অপশনের মধ্যে ও ইনক্লুড করে নে। এটা এটা ক্লোজে সাপ, আমার সিনজান কাটা একদম ভালো লাগে, ঠিক আছে। আমি নেব, তুই কি নিস না। হ্যাঁ
रेखे दो रेखे दो रेखे दो रेखे दो যা যা আছে সবগুলো নিয়ে যাবো একটা একটা করে কোনটা দাঁড়াতে আসছে আসছে हमारे शिव पूजा के लिए और शिवरात्रि का जो व्रत किया उसकी पूजा के लिए बहुत से सामान खरीद के लाए हैं और वुमेन्स डे स्पेशल जो मैंने बोला था परी के लिए गिफ्ट ये वाला है परी का लिलिल वुमेन का लिलिल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करे लिलिल गर्ल ये वाला गिफ्ट मैंने उसको बोला था और कुछ हमने एक बड़ा वाला टेडी लेने के लिए बोला टेडी एक्सपेंसिव सा टेडी था उसको यही लेना है नहीं उसको ये लेना है बेबी भी बोला वो वाला अच्छा नहीं था वो खराब था और ये वाला एक बैग तो ये दोनों उसका गिफ्ट है परी का गिफ्ट ओके तो एक वो थंबनेल ले लो और पार्ट को भी ये गिफ्ट मिला और पार्ट मेरे कैमरामैन को ये वाला गिफ्ट मिला व्हाई वुमेन शुड हैव ऑल द फन मैन शुड आल्सो हैव ना हमें भी मैन के लिए करना चाहिए सोचना चाहिए वुमेन्स डे पे मैन के लिए गिफ्ट मेरे मैन के लिए ये वाला गिफ्ट सुनो सुनो हाँ हाँ स्टिकर भी है उसका और ये बहुत ही यूजफुल सा बैग है मैं हाँ। दिनों से बोल रही थी पार्ट को लेने के लिए तो संभव लेना नहीं हो रहा था तो मैंने चलो सोचा कि गिफ्ट कर देती हूँ पार्ट को तो मैंने ये वाला गिफ्ट किया तो हमारे ब्लॉग को आज हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं विश यू ऑल ए वेरी 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 हैप्पी वुमेन्स डे एंड सेलिब्रेट इट टू द फुलेस्ट एंड सेलिब्रेट योर वुमेनहुड एवरी डे एंड कीप वॉचिंग अवर ब्लॉग लाइक Share and subscribe our channel. Bye.